द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारत में हुए सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है, तमाम राज को खोला है और साथ ही साथ गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। दरअसल पूरा मामला गौतम अडानी से जुड़ा हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई गौतम अडानी की कंपनियों को लेकर, उसके बाद गौतम अडानी की कंपनी के तमाम शेयर 85% तक नीचे गिरते चले गए एक महीने के भीतर। यानी जितना हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि गौतम अडानी की कंपनी के शेयर 85% तक ओवरवैल्यूड हैं, उतने ही दाम गौतम अडानी की कंपनियों के भाव गिर गए। तो ऐसे मामले में अब रघुराम राजन ने प्रतिक्रिया दी है कि भारत सरकार और सेबी इस मामले में क्या कर रही है, क्या सेबी की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच हो, गौतम अडानी की कंपनियों पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उसकी जांच हो। उन्होंने खुलकर सीधे तौर पर सेबी से सवाल खड़े किए हैं कि आखिर गौतम अडानी की कंपनियों में जो सेल कंपनी विदेशों से बैठकर पैसे लगा रही थी, 90% तक वो अपना पूरा पैसा एक ही कंपनी गौतम अडानी की कंपनी में लगा रही थी, तो ऐसा क्यों हो रहा था। इन तमाम मामलों पर रघुराम राजन के चुभते तरकते भरकते सवाल ने सेबी और सरकार दोनों के होश उड़ा दिए। जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि गौतम अडानी का मामला इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मामला बताया जाता है, क्योंकि गौतम अडानी रॉकेट के स्पीड से अपने नेटवर्थ में इजाफा करके दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए थे और उसी तेजी से गिरते गिरते वो 30वें नंबर से भी नीचे पहुंच गए, क्योंकि जितना बड़ा झोल उनके कंपनियों में देखने को मिला उन सब पर हिंडनबर्ग ने, फोर्ब्स ने, ब्लूमबर्ग ने, तमाम ऐसे संस्थाओं ने रिपोर्ट प्रकाशित किए। उसके बाद भारत में भी गौतम अडानी के क्रियाकलाप को लेकर सवाल खड़े किए गए, चाहे वो कोयला से जुड़ा मामला हो या पावर से जुड़ा मामला हो, अडानी ग्रीन एनर्जी से जुड़ा मामला हो, हर मामले पर गौतम अडानी बुरी तरीके से उलझते हुए नजर आए। और अब इस बीच में रघुराम राजन, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने भी गौतम अडानी की कंपनियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सेबी और सरकार की भूमिका को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। पूछा है कि आखिर सेबी जांच क्यों नहीं कर रहा, इतने दिनों तक सेबी को कुछ जानकारी क्यों नहीं है। अपने स्क्रीन पर आप देखिए, News24 ने भी ट्वीट में लिखा है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो कहा गया उसकी जांच करने की सेबी ने जरूरत क्यों नहीं समझी, सेबी पर रघुराम राजन ने उठाए सवाल। हम आपको एबीपी न्यूज की खबर भी दिखाएंगे जिसमें रघुराम राजन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है अडानी स्कैम को लेकर के, जो घोटाले का गंभीर आरोप लग रहा है, शेयरों में हेरा फेरी, अकाउंट फ्रॉड का आरोप लग रहा है, वैसे तमाम मामलों पर सेबी ने अब तक कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोर्ट कमेटी बनाई, जांच कमेटी बनाई, उस कमेटी को सिर्फ यह पता करके देना है कि गौतम अडानी के साथ जो भी हुआ उसका असर देश के आम निवेशकों पर कैसे पड़ता है, आम निवेशक के पैसे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कोई और इस तरीके की अगर घटना हो जाए तो निवेशकों के पैसे ना डूबे, उसके लिए सेबी के पास क्या स्कीम है, क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, कैसे इन सबको बचाएंगे, उस पर रिपोर्ट दी जाएगी। गौतम अडानी पर कोई खुला जांच अब तक सामने नहीं आया है और सेबी बीते एक दो महीने से कोई भी जानकारी अब तक नहीं दे पाई है। इतने दिन हो गए सेबी को पता ही नहीं है कि अडानी की कंपनियों में जो मॉरिशस से बैठी कंपनियां पैसे लगा रही हैं, वो पैसे का असली मालिक है कौन, इसको लेकर तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर आप एबीपी न्यूज की खबर देखिए और पूरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। हेडलाइन में है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अडानी मामले में सेबी पर उठाए सवाल, मॉरिशस की फर्मों का किया जिक्र। मॉरिशस में ही गौतम अडानी के उन फॉरेन कंपनियों का जिक्र बार बार होता है जहां से पैसा गौतम अडानी की लिस्टेड कंपनियों में पंप किए जाते हैं। ऐसा आरोप लगता है कि वो पैसे भी सेल कंपनी में जो डाले गए हैं, जो वापस लौटकर गौतम अडानी के प्रमोटर्स लिस्टेड कंपनियों में जाते हैं, वो सब पैसा भी गौतम अडानी का ही है, ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब जरा इस खबर को डिटेल में देखिए कि रघुराम राजन ने और क्या कुछ कहा है।
रघुराम राजन के मुताबिक मॉरिशस स्थित इन चार फंडों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 6.9 अरब डॉलर फंड का करीब 90% अडानी ग्रुप के शेयरों में ही लगाया हुआ है। इस मामले में कोई जांच नहीं किए जाने पर उन्होंने सवाल किया कि क्या सेबी को इसके लिए भी जांच एजेंसियों के मदद की जरूरत है। मॉरिशस स्थित एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड और क्रेस्टा फंड, एल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड फर्जी कंपनी के होने के आरोप लगने के बाद पिछले 2 साल से संदेह के घेरे में है। ये कंपनियां इसी जनवरी में दोबारा चर्चा में आ गई जब अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए फर्जी कंपनियों का सहारा लिया। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बार बार खारिज किया है। अब अडानी साहब खारिज करेंगे ही, क्योंकि कोई यह थोड़ी ना कहता है कि मैं बहुत बड़ा फ्रॉड हूं। और इस तरीके से जब आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने भी सवाल खड़े कर दिए गौतम अडानी की इन सेल कंपनियों को लेकर, तो फिर सेबी भाई अब तक चुप क्यों बैठा है? सेबी का काम है ऐसे ही गड़बड़ियों को रोकना। सेबी का काम है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के तहत एनएसई में या बीएसई में कुछ भी गड़बड़ है तो उसे सामने रखिए, उसको दंडित कीजिए। लेकिन मजबूरी देखिए कि अब तक गौतम अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। गौतम अडानी को लेकर सेबी ने कुछ भी क्लियर नहीं बताया। सेबी यह भी बता पाने के स्थिति में नहीं है कि गौतम अडानी की कंपनियों में पैसे लगाने वाले वो मॉरिशस में जो बैठे लोग हैं वो हैं कौन, असली मालिक इस पैसे का है कौन, इस सवाल का जवाब नहीं है। इस मामले में रघुराम राजन ने सरकार और सेबी की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा, रघुराम राजन ने भाषा के साथ ईमेल इंटरव्यू के दौरान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के रुख पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, मुद्दा सरकार और कारोबार जगत के बीच गैर पारदर्शी संबंधों को कम करने का है और वास्तव में नियामकों को अपना काम करने देने का है। सेबी अभी तक मॉरिशस के उन फंड्स के स्वामित्व तक क्यों नहीं पहुंच पाई है जो अडानी के शेयरों में कारोबार कर रहे हैं? क्या उसे इसके लिए जांच एजेंसियों की मदद की जरूरत है? और आप जानते हैं कि किस तरीके से आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार पर निशाना साध दिया कि वो सेबी को भी ठीक से काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं, जबकि अमेरिका ने तो सबसे पहले एक्शन लिया था। डाउ जोन्स से अडानी इंटरप्राइजेस को बाहर कर दिया गया था, वो वहां ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उन पर गंभीर आरोप लगे। ऐसी स्थिति में इस रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए। अगर गौतम अडानी को इसका नुकसान अमेरिका में भी भुगतना पड़ रहा है तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खंडन हो जाना चाहिए था। अगर दूध के धुले हैं, कोई आरोप नहीं है, तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन सरकार की चुप्पी, सेबी का इस तरीके से ठंडे रवैये को देखते हुए क्या कहा जा सकता है? लिपापोती की कोशिश हो रही है। यह तो अडानी के लिए अच्छा होता अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है झूठी साबित हो जाती, लेकिन सरकार भी घबराई हुई है। सेबी को भी लगता है कि अडानी पर सच्चाई सामने आ गई तो अमेरिका में तो फजीहत हो ही गई है, भारत में भी हो जाएगी। ऐसे परिस्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के पास कोई ठोस कदम नहीं। जिस तरीके से कई हमारे भारत के कारोबारी देश की आम जनता का पैसा लूटकर भाग खड़े हुए, क्या गौतम अडानी भी उसी सूची में जाना चाहते हैं? मामला बेहद गंभीर है, लेकिन सरकार बिल्कुल निश्चिंत है। अडानी अपने काम में जुटे हुए हैं। आखिर सच्चाई सामने कौन लाएगा, बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।